हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल अनिशा मेकओवर। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक कलरफुल आई मेकअप बताऊंगी, जो कि हल्दी ब्राइड, मेहंदी ब्राइड, मतलब हल्दी मेहंदी में आप लोग ये आई लुक कर सकते हो। तो सबसे पहले ना मैंने आई बेस दिया NYB के कंसीलर से, और उसके बाद मैं क्रीसेस कर रही हूँ, मतलब लाइक कंट्यूर कर रही हूँ, आईज़ को डेप्थ दे रही हूँ। तो मुझे ये आई मेकअप पूरा मतलब बाहर की तरफ विंग्स वाला सी मतलब खींचा हुआ करना था वैसा, तो इसलिए मैंने जब अपने आईज़ को कंट्यूर किया तो उस टाइम ही एक शेप दे दिया है पूरे आईज़ का, जैसे मुझे आई मेकअप ड्रॉ करना था वैसा। मैंने दोनों आईज़ पे डार्क ब्राउन से ही मैंने स्टार्ट किया, शेप दे दिया और डार्क ब्राउन करके, और उसके बाद मैंने लाइट ब्राउन से उसको मैंने मर्ज किया है, मतलब मैं ब्लेंड कर रही हूँ। डायरेक्ट डार्क ब्राउन करके मैंने छोड़ नहीं दिया, उसको लाइट ब्राउन से मर्ज से मतलब ब्लेंड कर रही हूँ मैं। तो छोटा छोटा आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग ब्लेंडिंग करोगे तो आपका आई मेकअप स्मूथ प्यारा दिखेगा, तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सबसे आउटर कॉर्नर पे मुझे ब्लैक शेड देना था, तो मैंने ये हाथ मैंने ऐसे कर लिया था ना, तो ढक गया है, उस साइज पे दिख जाएगा। तो मैंने जो कंट्यूर किया, जो शेप निकाला हुआ था वहाँ से, और जो विंग आईलाइनर आप ड्रॉ करते हैं यहाँ से जस्ट लेकर मैंने ब्लैक आई शेडो को फिल किया। आप लोग देख सकते हो कि मैंने कैसे फिल किया है। ब्लैक आई शेडो नहीं है, ये जेल आईलाइनर है, तो मैंने जेल आईलाइनर पहले लग करके उसके बाद मैं ब्लैक आई शेडो से इसको फिक्स कर दूँगी। तो आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले मैंने जेल आईलाइनर से लगाया हुआ था, उसके बाद उस पर ब्लैक आई शेडो डालकर मैंने जस्ट उसको फिल कर दिया है, जिससे कि ख़राब ना मतलब स्मूथ दिखे। उसके बाद इस आईज पे भी मैं वैसे ही करूँगी, और स्पेशली और मैंने वेकिंग कर दिया था, आँख से आंसू आ रहा था ना, तो इसलिए वो मैं निकाल रही हूँ, कभी कभी आ जा रहा था, किसी किसी के आँख से आ जाते हैं आंसू। तो इस साइड भी आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग को दिखेगा कि मैंने कैसे ड्रॉ किया था। जस्ट जेल आईलाइनर से पतला वाला ब्रश मैंने लिया और जस्ट एक शेप दिया, और ब्लैक डार्क ब्लैक शेड मैंने आउटर कॉर्नर पे फिल किया है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत इजी होता है, इतना भी टफ नहीं होता है, मतलब जो बिगनर्स हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ये कलरफुल आई मेकअप ये सब इतना भी टफ नहीं होता है, इजी होता है। आप बस हाँ प्रैक्टिस का काम होता है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे, तो बस वही होता है। उसको ब्लैक के बाद ना मुझे पर्पल डालना था, तो फिर मैंने ब्रश में फ्लॉपी ब्रश में मैंने पर्पल शेड लिया, डार्क पर्पल शेड लिया, और जस्ट मैं ब्लैक के बाद फिल कर रही हूँ। तो ऐसे कलरफुल आई मेकअप में ना कलर पे कलर डालते हैं जो, तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलर को हम ब्लेंड अच्छे से कर दें, ये नहीं कि आप कलर बाई कलर डाल रहे हैं तो लाइंस की तरह छोड़ दें, तो वो भद्दा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो आप जितना भी कलर डाल रहे हो तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कलर को ब्लेंड करते जाओ। तो आप लोग देखिए कि मैंने पर्पल कलर को डाला हुआ है, वो मैंने वो कलर्स का फेस पे आ रहा था ना, मैंने बेस मेकअप पहले कर दिया था ये वाला, इसका फुल मेकअप ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारा बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद ना पर्पल के बाद मैंने ग्रीन शेड डाला हुआ था, जस्ट मैं डाल के ब्लेंड कर रही हूँ। तो साथ साथ दोनों आईज पे करते चलना है, क्योंकि इससे बैलेंस बना रहता है और दोनों आईज पे कलर ज़्यादा कम नहीं होता है, इक्वल इक्वल दिखता है। तो बस आपको इस बात का ही ध्यान रखना है कि दोनों आईज पे इक्वल इक्वल कलर डालना है, और मतलब ये कि ये नहीं कि ज़्यादा कम, तो उससे थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, तो बस इसलिए साथ साथ दोनों आईज का मेकअप करना है। और उसके बाद ग्रीन के बाद जस्ट इनर कलर पे मैंने येलो कलर डाला, जिसका वीडियो शायद क्लिप कट गया था, मैं कैमरा ऑफ हो गया था। तो जैसे मैंने सारा कलर डाला हुआ है ना, वैसे ही बस येलो कलर को मैंने इनर कॉर्नर पे फिल कर दिया, और उसके बाद सारे कलर को आपस में जस्ट ब्लेंड कर दिया, एक लाइंस की तरह ने नहीं छोड़ा, आप लोग देख सकते हो लाइंस पूरा नहीं, हाँ कलर्स बाई कलर है तो पता तो चल रहा है, लेकिन एकदम खड़ा खड़ा जो लाइन होता है वो नहीं दिख रहा है, जस्ट इक्वल एक दूसरे में ब्लेंड है। उसके बाद जस्ट एक पतला सा लाइनर मैंने ड्रॉ किया, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक कलर है, विंग्स निकला हुआ है बाहर की तरफ वाइट आउटर कॉर्नर पे, तो पतला सा लाइनर मैंने लिक्विड लाइनर ड्रॉ किया।
उसके बाद जस्ट मैं आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ इनका काफ़ी मतलब चौड़ा था, मतलब चौड़ा भी नहीं, अच्छा ठीक था, अच्छा था। तो मैंने जस्ट डार्क ब्राउन शेड से, डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन शेड से आर्च के बाद डार्क ब्राउन फिल करते हैं, और अंदर वाले जो हमारा इनर एरिया होता है वहाँ पे लाइट फिल करते हैं, तो इससे अच्छा दिखता है आईब्रोज। तो आईब्रोज मैंने फिल कर लिया, उसके बाद मैंने लगाया वाइट काजल, क्योंकि ये बोली कि वाइट काजल फिल लगा दो, तो मैंने लगा दिया वाइट काजल। और उसके बाद फिर मैं ब्लैक कलर का वो जेल आईलाइनर, आप लोग देख सकते हैं ये स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर है, तो मैं बस इसमें से लेकर एकदम हल्का हल्का ले रही हूँ। और जस्ट मैंने वाइट काजल लगाया था ना, उसके नीचे वाटर लाइन के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं ब्लैक कलर से, क्योंकि आई मेकअप इनका लंबा वाला करना था एकदम, जिससे कि आईज बड़े बड़े दिखे। तो उसके बाद मैंने जेल लेने के बाद पर्पल शेड से पतले वाले ब्रश से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था, आप लोगों ने देखा। तो ये रहा हमारा फाइनल आई मेकअप लुक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, और बताना कि मैंने ये आई मेकअप कैसे किया है। और इस मेकअप का फुल मेकअप लुक ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आप लोग मेकअप लुक देखना चाहते हो तो आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आप लोग ज़रूर बताना कि मैंने ये कलरफुल आई मेकअप लुक कैसे किया हुआ है, और इनको बहुत अच्छा लगा था ये मेकअप लुक। तो आप लोग भी अपना ओपिनियन ज़रूर देना। ओके बाय, लव यू, टेक केयर, और आप लोग ज़रूर बताना। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना प्यारा लग रहा है, मुझे भी बहुत प्यारा लगा था। बस बहुत ईजी होता है कलरफुल आई मेकअप करना, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो ओके बाय, लव यू, टेक केयर।